सर ये सारे सेल फोन का जो वर्किंग मुजरिम है ये गिरफ्तार कहाँ से हुआ और एक महीना पुलिस इसके पीछे रही, इसकी उस वक्त तक एक महीना गिरफ्तार न होने की बड़ी वजह क्या है? बात ये है कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मरकजी मुलजिम, जिसको आप मरकजी कहते हैं, दो ही मुलजिम थे, सो वन ऑफ देम हैज बीन अरेस्टेड और ये हम इसके पीछे थे। पहला मुलजिम तो दूसरे तीसरे दिन ही हमने अरेस्ट कर लिया था। ये 30 दिन हमें इसमें लगे, बिकॉज उसकी बड़ी वजह ये थी कि जैसे ही यहां से ये फरार हुआ था वहुए से और ये गया अपने घर, उसके बाद इसको जो दूसरा इसके साथ मुलजिम था, एक जो इसके साथ नहीं जा पाया था, बाला इकबाल बाला जो था, उसने इसको इतला दे दी थी कि तुम्हारी तस्वीर टीवी पे और नेट पे सारे पे चल रही है। तो उसके बाद वो वहां से निकला है और ये मुसलसल फिरता रहा है। ये मांगा मंडी भी गया है, ये फोर्ट अब्बास भी गया है, ये फैसलाबाद फिर वापस आया है, फैसलाबाद से ये चिन्योट चला गया। चिन्योट में ये बड़े अरसे अंडरग्राउंड रहा, एक बंदे के पास, अब्बास नामी बंदा है, उसके पास मजदूरी करता रहा, भैंसों को चारा शारा डालता रहा, वहां पे ये बड़े अरसे रहा, फिर ये फैसलाबाद वापस आया और फैसलाबाद आके इसने अपने साले के घर से उसका फोन उठा के अपने घर वालों को कॉल की, बाप को, उससे ये हमें ट्रेस हुआ कि जी ये दोबारा सरफेस किया और इसी का हम इंतजार कर रहे थे। फैसलाबाद में ट्रेस हुआ, वहां हमने अपने जीएसएम लोकेटर्स भेजे, लेकिन इसने वहां फोन फेंक दिया और इसने फिर ये अपने बाप के पास गया, बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी, सो ये बीवी से मिलने गया था। वहां जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहां पे मौजूद थी, हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पे काम कर रही थी और वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद थी, वहां से ये अरेस्ट हुआ है। बात ये कि इसको ये पता था कि पुलिस मेरे पीछे है, मीडिया पे मुसलसल चल रहा था कि हाई प्रोफाइल बंदा है और जाहिरी बात है इसने छुपना था। हम जिस चीज पे बैंक कर रहे थे कि हम थोड़े से खामोश होंगे, मीडिया थोड़ा खामोश होगा, ये सर्विस करेगा, ये अपने घर वालों के पास आने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली वही हुआ और उसी की वजह से हमें कामयाब।